ई रिक्शा वाले ने रेडी वाले को उड़ा दिया और ये सबसे पहली फुर्सत में अपने को सीखनी है व्हीली ऐसा है। चलिए भाई थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि पानी में गिर जाऊं मैं भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। वैसे तो मुझे खुद का स्वागत करना चाहिए भाई इस चैनल पर, क्योंकि मैं खुद ही नहीं दिखता हूँ, बट मेरे शॉर्ट्स भाई आते रहते हैं, वो देखते रहो आप जब तक। वो ऑलमोस्ट डेली की अपडेट होती है, बट अभी पूरा ब्लॉग बनाने का तो कहीं सीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि अब कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, और कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो भाई ब्लॉग बन नहीं पा रहा है, और बन नहीं पा रहा है तो भाई अब देखते हैं कब तक जाना होगा। अब तो वैसे भी इस महीने कहीं पर जाना नहीं है लंबे ट्रिप पर, क्योंकि परसों से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 24 तारीख से। फिर तो अपने घर पे ही रहना है भाई पूरा महीना। एक तो मौसम को कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, कभी धूप कभी छाव, इतना मतलब मौसम ख़राब हो रहा है कि मेरी तो नाक ऐसी हो गई है भाई कि नाले बह रहे हैं भाई बिल्कुल ही, जैसे मनाली में बहते हैं ना बस फ्लो के साथ, वैसे ही बहते चले जा रहे हैं भाई। गला वला सब बैठ गया भाई। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मतलब मई जून की गर्मी आ गई है, अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा जनवरी फरवरी की ठंड आने वाली है। मतलब अभी इसमें चला रहा हूँ मैं, जिसमें हवा लग रही है तो हाथों में ठंड लग रही है भाई मेरे, मतलब धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी ठंड लग रही है, अगर धूप ना निकले तो पूरी ठंड लगे, सारे रोड खोद के डाल दिए भाई। मतलब ये रोड ना अभी थोड़े दिन पहले बना था, ये जल बोर्ड वालों को भी एकदम से याद आता है कि अरे वाह लाइन तो बदलना ही भूल गए, चलो लाइन बदल देते हैं। रोड बनने के बाद ही अक्सर याद आता है कि नाले भी डालने हैं भाई, गटर भी डालने हैं, सीवर का काम भी करना है, वरना उससे पहले कुछ नहीं होता। उससे पहले वैसे ही पड़े थे सालों साल, ये रोड नया ही बना है, करीब करीब एक डेढ़ साल ही हुआ है, एक डेढ़ भी नहीं हुआ यार, उससे भी कम ही हुआ। रोड पे निकलते हैं भाई, आज देखो मैं निकला हूँ, वैसे तो डेली निकलता हूँ मैं, लेकिन जब आज निकला हूँ तो भाई कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। मतलब डेली निकलता हूँ तो एक आध बंदा तो पक्का कुछ ना कुछ रोमांचक भरा सीन दे के जाता है, बट आज मैंने कैमरा लगा रखा है ना तो आज कोई भी नहीं मिलेगा, मैं खाली बिल्कुल नल्लों की तरह घूमते फिरते रहेंगे भाई, मजे में बस सब सीधे सीधे चलाएंगे। बाकी भाई अपना इधर व्लॉग्स नहीं आ रहे तो क्या होगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने भाई को फॉलो कर लो भाई, वहाँ पर डेली अपडेट मिलेगी तुम्हें पक्का। अब ऐसा नहीं है कि अपडेट छूट जाएगी भाई, उसके ऊपर पूरी अपडेट मिलेगी तुम लोग, उस पर फॉलो ज़रूर कर लो। आईडी आ रही है भाई स्क्रीन के ऊपर साइड में, सर्च कर लेना थोड़ी सी भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस पर स्कैनर डाल दूँ, सीधा स्कैन करो और हो गया काम तुम्हारा, स्क्रीन शॉट ले करके देखता हूँ वही डाल दूँगा। क्या बताएं बस इस दिन में मौसम बरसात बरसात ने तबीयत हिला डाली है भाई पूरी की पूरी। ये देखो आए चाचा को देखो कैसे बीच में लहर मारते हुए आ रहे हैं, घुसे चले जा रहे हैं, सामने नहीं देखेंगे उधर सामने देख रहे हैं, नहीं कहाँ नज़रें रहती हैं लोगों की। हाँ तो भाई लोग अपन मतलब आप पता है क्या करने जा रहे हैं भाई, अब अपन व्हीली सीखेंगे। देखो लंबे रूट तो बहुत मार लिए, दिल्ली से लेकर के हर जगह अगर स्पीति कर लिया, कश्मीर कर लिया, लद्दाख कर लिया, शिमला हर जगह जा चुके हैं अपन, अपन का रह गया अब बस नैनीताल। वो नैनीताल भी हो गया भाई अपना तो, नैनीताल मसूरी सभी हो गए हैं, जयपुर आगरा। अब अपने को करना क्या है भाई, अपने को यही करना है कि सबसे पहली फुर्सत में अपने को सीखनी है व्हीली, या तो व्हीली हम व्हीली को मार लेंगे या व्हीली हमें मार लेगी, तुम बस एक काम होंगे भाई, और तुम्हारा भाई भी थोड़ा थोड़ा वो सीखेगा, मतलब अच्छा लगता है। लेकिन भाई ऐसे नहीं सीखेंगे कि रोड के ऊपर, ऐसे मैं आजकल देख रहा हूँ भाई मतलब रील्स के अंदर भाई दबा दब दबा दब, हर बंदे इस रोड पे चल रहे हैं ऐसी बीच में, उठा दी भाई के एक टायर पे, अरे भाई वो छू जाएगा, रश रश गाड़ियाँ चला रहे हैं, मतलब रील बनाने के लिए ऐसे इतने रश में भी ऐसे ऐसे चला रहे हैं, अरे भाई क्या यार क्या हो गया है। ठीक है भाई वीडियो बनानी अच्छी बात है भाई, लेकिन ऐसे मत चलाओ कि किसी को दुख तकलीफ़ हो जाए, और मैंने देखा है वीडियो में भाई किसी से किसी को उड़ा भी दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस चीज़ को थोड़ा भाई कंट्रोल करो और आराम से चलाओ। बाकी लोगों की भाई अपनी अपनी मर्ज़ी है, लोग ऐसे रोड पे रील्स के चक्कर में चलाना चाहते हैं टेढ़ी मेढ़ी व्यूज़ लाइक के लिए, अरे व्यूज़ लाइक तो मिल जाएंगे अगर जान चली गई वापस नहीं आएगी, अपनी भी या किसी और की भी,
और होता है ऐसा कई बार, कीड़ लगने से ही बंदा मर जाता है और पहाड़ से गिरने से भी बच जाता है। तो कोशिश करो भाई कि अपने अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, आपकी वजह से किसी और को चोट ना लगे। हम रोड पे हाईवे पे चलते हैं, बहुत तेज चलाते हैं भाई, तो हाईवे पे अगर हम गिरेंगे तो हमारी चोट लगेगी ऑलमोस्ट, सामने वाले के बहुत कम गिरेगी क्योंकि गाड़ियाँ होती हैं। बट अगर वहाँ पर भी किसी और के लग गई तो उससे ज़्यादा हमको तकलीफ होगी भाई, उसकी क्या गलती थी, है कि नहीं। अगर गलती होती भी है तब भी हम कोशिश करते हैं कि सामने वाले को बचाएं, पर क्या करें भाई। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना चाहिए सबको, रील के चक्कर में सील ना हो जाए कहीं आपकी बाइक। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं रील व्हीली की बात बता रहा था। तो व्हीली की बात ऐसी है भाई कि व्हीली अपन करेंगे, बहुत तगड़ी करेंगे व्हीली, पहले सीखनी पड़ेगी भाई। मैंने दो चार बंदों की वीडियो देखी, उन्होंने बड़े स्टाइल में सिखाई है, बड़ा आराम से सिखाई है, उसी को अप्लाई करेंगे। देखते हैं अपनी गाड़ी उठती है नहीं उठती, नहीं उठेगी तो भी कोई बात नहीं, उठ गई तो बल्ले बल्ले भाई। A few moments later. तो भाई अपने पीछे कोई नहीं है, एक बार करके देखते हैं क्या होता है। उनने बताया था भाई अभी मजा आएगा ना भिड़ो, 10 से 15-17 के बीच में अपनी स्पीड रखना और RPM 7 से 8 हज़ार और क्लच छोड़ देना। तो देखते हैं भाई क्या होता है। नहीं चली, थोड़ा टफ लग रहा है भाई सीन अपने को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, उछलेगी नहीं उछलेगी, ऐसा नहीं है कि पानी में गिर जाऊं मैं भाई, व्हीली करने के चक्कर में गीली हो जाऊं। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं भाई, 10 से 15। अरे पीछे तो कोई आ रहा है लग रहा हूँ, पहले भाई देख लेते हैं। खाली रोड नहीं है, थोड़ा भरा हुआ ही है, दूर दूर तक बंदे आ रहे हैं। जब बंदे कम हो जाए तब मानना चाहिए, क्योंकि कहीं हम घुसें और दूसरों में भी ले डूबे। अब थोड़ा कम है, पहले 10 से 15 स्पीड। थोड़ा बहुत रोड भी ऐसा होता है ना तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। अब ये बीच में रोक के खड़ा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस वाला, ड्राइविंग सिखाने वाला। ओह इसके लिए तो भाई पूरा प्रॉपर खाली रोड होना चाहिए, बिल्कुल तब उठेगी मज़े में। आगे थोड़ा सा खाली दिख रहा है, यहाँ पर अपन करके देखेंगे भाई होती है नहीं होती है। एक तो नाक बहरी है बहुत ज़्यादा, एक होता राग बहरी, मेरा तो नाक बहरी हो गया है। ऐसे चली भाई थोड़ी सी तो चली, हल्की हल्की उछल रही है, मतलब आ जाएगी भाई। मतलब मैं सीख रहा हूँ ना तो भाई सीखने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखो चलानी तो बहुत अच्छी आती है लेकिन उछालने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलाने का तो शिफ्टिंग पता है कि कितने पे क्या लेनी है, लेकिन जब उछालना होती है ना तो थोड़ी शिफ्टिंग सेट नहीं हो पाती है। देखो सारे फंस गए एक दूसरे में ही लग रहा है, रोड बिल्कुल खाली पड़ा है, फंसा दिया सबने। बड़ी दिक्कत है भाई यहाँ तो, हद से ज़्यादा दिक्कत है यहाँ। ज़रा सी भी चूक होती है ना स्कूल के ऊपर, ऐसा जाम लगाते हैं भयंकर वाला, फंसा के रख दें। मुझे लगता है सीख जाऊँगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओहो क्या हो गया, रेडी पलट गई क्या, या रेडी ठुक गई। ई रिक्शे वाले ने रेडी वाले को उड़ा दिया और ये सारा बीच में क्यों रोक के खड़ा हो गया, ये तो मुझे ठोक देगा। मुझे तो लगता है भाई जैसा इसमें थोड़ा बहुत ना व्हीली करने में हवा का भी रोल होता है हल्का फुल्का शायद, क्योंकि मेरी जो हवा है ना पीछे टायर में वो मेरे ख्याल से मतलब सही है,
जैसे कई बार क्या होता है मेरा टायर ना स्किड कर जाता है, मतलब फुल स्पीड में घूम जाता है भाई, इसकी वजह से व्हील ही तो नहीं हो पाती। हाँ, पीछे ड्रिफ्टिंग ज़रूर हो जाती है, ऐसे भग जाती है। खाली खाली रोड बड़े हैं, लेकिन अब तो खाली खाली भी नहीं मिलते कहीं पर। चलो भाई, इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और पक्का उसके अंदर पूरी व्हीली करना सीखेंगे भाई अपन, क्योंकि जैसा मैं हूँ, अगर आप लोग भी सीखना चाह रहे हैं, क्या पता मुझे देख करके सीख जाओ, मतलब मेरे गिरते हुए देख करके, या खड़े हुए देख करके, या मेरे बिल्कुल वैसे। भाई ऑलमोस्ट इतने साल हो गए मेरे को बाइक चलाते हुए, मैं गिरा बहुत कम हूँ, एक दो बार गिरा हूँ बड़ा तगड़ा, थोड़ी गलतियों की वजह से, वरना तो भाई बिल्कुल सेट है अपना हिसाब किताब आज तक बाइकिंग का, राइडिंग का भी साथ में। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नेक्स्ट वाली वीडियो में अपन व्हीलिंग ही सीखेंगे।